नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी एलजेपी में तेज होती सियासत की, बिहार में नीतीश की नई चाल की, जानेंगे यूपी में सपा को कैसे मिल रही है मजबूती, बंगाल में बीजेपी क्यों हो रही है कमजोर, बात करेंगे राम मंदिर के चंदे पर गर्म सियासत की, पंजाब कांग्रेस में छिड़ी लड़ाई की, और बुलेटिन में आखिर में बात करेंगे महामारी को लेकर सरकार के नए निर्देश की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मिली जबरदस्त जीत के बाद आगे भी टीएमसी और प्रशांत किशोर का बना रहेगा साथ। टीएमसी बोर्ड में शामिल हुई पीके की टीम, 2026 तक टीएमसी बोर्ड में रहेगी आईपैक। एलएसी की स्थिति पर सोनिया गांधी की केंद्र सरकार से मांग, देश को भरोसे में ले सरकार, जवानों को पीछे हटाने का चीन के साथ समझौता नुकसानदेह। नारायण राणे को लेकर बीजेपी में बड़ी बेचैनी, मोदी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी नेता राणे के मंत्री बनने को बता रहे हैं नुकसानदायक, राणे मंत्री बने तो शिवसेना के साथ रिश्ते सुधरने की उम्मीद हो जाएगी समाप्त। कोवैक्सीन का शुरू हुआ बच्चों पर ट्रायल, कंपनी का दावा बच्चों को टीका देने के बाद नहीं दिखा कोई बुरा असर, यदि ट्रायल रहा सफल तो अगस्त में आ जाएगी बच्चों की वैक्सीन। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, चिराग पासवान की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। संसदीय दल के नेता पद से हटाने के बाद उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटाने का ऐलान पशुपति पारस गुट द्वारा किया जा रहा है। इस बीच चिराग पासवान ने एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। चिराग के सामने रास्ते सीमित होते जा रहे हैं, बीजेपी उनसे दूरी बनाती दिख रही है, तो कांग्रेस और आरजेडी दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। तो आज एलजेपी में क्या हुआ खास, देखिए ये रिपोर्ट। एलजेपी पर किसका अधिकार, ये लड़ाई 24 घंटों में लगातार तेज हो रही है। चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से हटाया जा चुका है और अब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। पशुपति पारस गुट के नेताओं का तो दावा है कि चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से भी हटाया जा चुका है और इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि चिराग पासवान एक साथ तीन तीन पदों को संभाल रहे थे, इसलिए उनसे सिर्फ पद वापस लिए गए हैं। 20 जून से पहले पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। एलजेपी सांसद महबूब अली कौसर का कहना है कि पार्टी ने चिराग को नहीं निकाला है, लेकिन जिस तर्क के आधार पर चिराग को अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता पद से हटाया गया है और कहा गया है कि उनके पास तीन तीन पद थे और पार्टी एक व्यक्ति के पद का सिद्धांत लागू करना चाहती है, वो पशुपति पारस पर लागू नहीं होगा क्योंकि पार्टी उन्हें संसदीय दल के नेता के बाद एलजेपी का अध्यक्ष भी बनाना चाहती है। दूसरी ओर पटना में आज एलजेपी कार्यालय पर चिराग समर्थकों का गुस्सा देखा गया। पशुपति पारस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं का दावा है कि अधिकांश लोग चिराग के साथ हैं। चिराग पासवान ने भी आज एक बार फिर अपने चाचा पशुपति पारस को पत्र लिखा। इसके साथ ही चिराग ने ट्विटर पर लिखा है कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी बीच बीजेपी ने भी अब चिराग से दूरियां बनानी शुरू कर दी है और उन्हें अकेला छोड़ दिया। दावा किया जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में पशुपति पारस को केंद्र में रामविलास पासवान की जगह मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच कांग्रेस और आरजेडी की ओर से चिराग पासवान को अपने साथ आने का ऑफर दिया गया है। आरजेडी ने कहा है कि यदि चिराग उनके साथ आते हैं तो चिराग को दिल्ली में मजबूत करने के लिए आरजेडी पूरी ताकत लगा देगी। बिहार में चिराग पासवान ने विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को पहुंचाया था और दावा किया जा रहा है कि आज एलजेपी में जो कुछ हो रहा है वो जेडीयू की रणनीति का हिस्सा है। जेडीयू इस समय कई रणनीतियों पर एक साथ काम कर रही है। मिशन चिराग के बाद अब उनका ध्यान विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने पर है। तो क्या है जेडीयू का अगला कदम, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनावों में जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने किया था। चिराग के चलते जेडीयू 15 साल में पहली बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। चिराग ने चुन चुन कर एलजेपी के प्रत्याशी उन सीटों पर उतारे जहां जेडीयू उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे और चुनावों के करीब 6 महीने बाद जेडीयू ने इसका हिसाब बराबर कर दिया। पहले एलजेपी के इकलौते विधायक को अपने पाले में किया और फिर चिराग पासवान को ही एलजेपी में अकेला कर दिया। आज चिराग पासवान के पास एलजेपी में कुछ भी नहीं बचा, उनके चाचा ने ही पार्टी पर कब्जा कर लिया है। एलजेपी से हिसाब बराबर करने के बाद अब जेडीयू विधानसभा में बीजेपी के बराबर ताकत हासिल करने में जुट गई है।
जिसके लिए उसकी नजर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर है। खासतौर पर कांग्रेस विधायकों पर जेडीयू की ओर से डोरे डाले जा रहे हैं। पार्टी को उम्मीद इस बात से भी है क्योंकि एक दर्जन के करीब ऐसे लोग कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हैं जो चुनाव से पहले जेडीयू में जाने का विकल्प तलाश रहे थे, लेकिन टिकट का आश्वासन न मिलने पर वो कांग्रेस में ही रहे और अब जेडीयू ने उन नेताओं से फिर से संपर्क कायम करना शुरू कर दिया है। जेडीयू की ओर से तो ये दावा भी किया जाने लगा है कि 10 विधायक पाला बदलने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन दल बदल कानून के तहत 2/3 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 19 है। ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 13 विधायकों का दल बदलना जरूरी है। कांग्रेस नेता भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके विधायकों को जेडीयू की ओर से ऑफर आ रहा है, लेकिन जेडीयू की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। 9 विधायकों ने सीधे सीधे जेडीयू के ऑफर को खारिज कर दिया, जिसमें से 3 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, 3 विधायक कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, जिन्होंने जेडीयू से साफ साफ कह दिया है कि वो अभी क्या जीवन भर कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। पहली बार चुनकर आए 2 विधायकों ने भी जेडीयू के ऑफर को खारिज कर दिया, तो वहीं दूसरी बार चुनाव जीते एक कांग्रेस विधायक ने जेडीयू के प्रस्ताव पर हामी नहीं भरी है, जिस कारण से जेडीयू की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही। जेडीयू दूसरे दलों के विधायकों को अपने पाले में करने में जुटी है ताकि विधानसभा में उसकी ताकत बढ़ सके। वहीं दूसरी ओर यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले कई विधायक सपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इंतजार अखिलेश के इशारे का है। आज बीएसपी के 9 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, लेकिन क्या बात हुई इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि विधायक सपा में जा सकते हैं। तो क्यों विधायक छोड़ रहे हैं मायावती का साथ, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी चुनावों की बिसात अब बिछने लगी है। हर दल की नजर यूपी पर है क्योंकि यूपी जीत लिया तो 2024 में दिल्ली जीतने का आधा रास्ता तय कर लिया। यूपी की हार जीत का असर पूरे भारत में देखने को मिलता है, इसलिए चुनावों से पहले सभी दल अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी रूठे दलों को मनाने में लगी है, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिल पा रही। ओपी राजभर ने तो नड्डा से बात तक करने मना कर दिया, तो वहीं सपा के पाली में दूसरे दलों के लोग जा रहे हैं। बागियों की पहली पसंद सपा बनकर उभरी है। खास तौर पर पंचायत चुनावों में जिस तरह से सपा ने बीजेपी को हराया है, उसके बाद से तो लोग मानने लगे हैं कि राज्य में बीजेपी के विकल्प के तौर पर सपा सबसे ज्यादा मजबूत है। सपा कार्यकर्ता तो दावा करने लगे हैं कि 2022 में उनकी सरकार वापस आ रही है। अखिलेश यादव ने भी बड़ी जीत का दावा कर लिया। उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन करेगी, लेकिन केवल छोटी पार्टियों के साथ, किसी भी बड़ी पार्टी से अब गठबंधन नहीं होगा। हां, नेताओं के लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। यदि वो समाजवादी विचारधारा को अपनाते हैं तो सपा में उनका स्वागत है। और अब बीएसपी के अधिकांश विधायकों को समाजवादी विचारधारा रास आने लगी है। बीएसपी के 9 विधायक आज अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट बाद में बीएसपी ने उपचुनाव में जीत ली, जिससे उसके सदस्यों की संख्या 20 हो गई। लेकिन बीएसपी के लिए चिंता की बात है कि उसके 11 विधायक बागी हो चुके हैं, जिसमें से 9 ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। जिन विधायकों ने अखिलेश से मुलाकात की उनमें असलम रायनी, अजलीम अली चौधरी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिन, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, रामवीर उपाध्याय और अनिल सिंह के नाम है। वैसे मायावती इन विधायकों को पार्टी से निलंबित कर चुकी हैं और अब ये सभी विधायक जल्द ही सपा का दामन थाम सकते हैं। बीएसपी विधायक यदि सपा में जाते हैं तो इससे सपा को मजबूती मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि चुनावों के समय नेता उसी दल की ओर दौड़ लगाते हैं जिसके जीतने की उम्मीद नजर आती है। बिहार यूपी के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी विधायकों की दल बदल की आहट सुनाई दे रही है और दल बदल से नुकसान में जाती दिख रही है बीजेपी। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, लेकिन जिस तेजी से विधायक पार्टी के खिलाफ जाते दिख रहे हैं उससे दावे तो यही किए जा रहे हैं कि जल्द ही ये 50 से कम संख्या हो सकती है। तो क्या बीजेपी से खफा है उसके ही विधायक, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के परिणाम 1 महीने पहले आए थे। बीजेपी ने दावा किया था कि उसे 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन सीटें आईं सिर्फ 77 और 1 महीने बाद ही 75 रह गई, जिसमें से एक विधायक मुकुल राय टीएमसी में चले गए।
यानी आंकड़ा 74 ही रह गया। पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह से बचे हुए विधायकों को एकजुट रखा जा सके, लेकिन विधायक टीएमसी दफ्तर पर दस्तक देने में जुटे हुए हैं। इनमें से अधिकांश वो विधायक हैं जो विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी कार्यकर्ता घूम घूम कर माफी मांग रहे हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने तो टीएमसी दफ्तर के बाहर धरना दिया कि उन्हें पार्टी में वापस लिया जाए। बीजेपी से नेताओं के होते मोहभंग का एक नज़ारा सोमवार को भी दिखाई दिया, जब शुभेंदु अधिकारी शाम को राजभवन में पार्टी विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने पहुंचे। बुलाया सभी विधायकों को गया था, लेकिन 24 विधायकों ने मीटिंग से दूरी बना ली, जिनमें से अधिकांश मुकुल रॉय के समर्थक माने जाते हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने तो यहां तक दावा किया है कि मुकुल रॉय से बीजेपी के एक दर्जन विधायक संपर्क भी कर चुके हैं, लेकिन किसको लेना है किसको नहीं इसका फैसला ममता बनर्जी को करना है। दावा किया जा रहा है कि कई विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं। विधायकों की संख्या 30 तक बताई जा रही है। इसके अलावा राजीव बनर्जी, दीपेंदु विश्वास, सोनाली गुहा भी टीएमसी में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले जब बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें जो लोग नहीं पहुंचे इनमें सबसे बड़ा नाम था सांसद शांतनु ठाकुर का, जिन्हें मतुआ समुदाय का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन अब वो भी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में मतुआ समुदाय के वोट हासिल करने में तो पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दिया। नागरिकता कानून के मुद्दे पर भी ठाकुर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी विधायक बीजेपी का साथ छोड़ रही है, जिससे बंगाल में बीजेपी बड़ी मुश्किल में दिख रही है। लेकिन बीजेपी का ध्यान बंगाल से ज्यादा इस समय यूपी पर है, जहां 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन यूपी में बीजेपी राम मंदिर को लेकर फंसती दिख रही है, तो गड़बड़ी सामने आ रही है, उससे बीजेपी को डर लग रहा है। तो क्यों मंदिर को लेकर परेशानी में दिख रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में राम मंदिर एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, और इस बार इसे विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे चुका है, बीजेपी इसे अपनी बड़ी जीत बता रही थी। मंदिर निर्माण को लेकर करोड़ों का चंदा भी आ गया, लेकिन इसके खर्चे को लेकर अब ज्यादा चर्चे हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर निर्माण में हो रहे खर्चे में पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी जा रही है, चंद मिनट में ही जमीन की कीमत 9 गुने से ज्यादा बढ़ रही है, और ये सब कुछ हो रहा है तब जब केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की सरकार है। दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, जिसने राम मंदिर के नाम पर अब तक लगभग सभी चुनाव लड़े, लेकिन अब जब मंदिर निर्माण में गड़बड़ी सामने आती दिख रही है तो बीजेपी नेता बचाव की मुद्रा में है। विपक्ष का सवाल है कि जब मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट में अधिकांश लोग बीजेपी के करीबी थे, तो ऐसे में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए जवाबदेही बीजेपी के साथ मोदी और योगी सरकार की भी है। मंदिर ट्रस्ट लगातार सफाई दे रहा है, और अब ट्रस्ट की ओर से बीजेपी और संघ को भी सफाई दी गई है, क्योंकि सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा केंद्र बीजेपी और संघ को भेजी अपनी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस जमीन की डील को लेकर पिछले 10 साल से बात चल रही थी, और इसमें 9 लोग शामिल थे। जो जमीन खरीद की गई है वो प्राइम लोकेशन की है, इसी कारण इसके दाम भी ज्यादा है। ट्रस्ट ने आरोप लगाया है कि जमीन खरीद में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, जबकि विपक्ष का दावा है कि जमीन की कीमत 10 मिनट में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ कैसे हो गई, इसकी जांच जरूरी है। राम मंदिर मामले में बीजेपी को डर सता रहा है कि अगर जमीन खरीदी का मामला लंबा चला तो यूपी में पहले से ही मुश्किल में फंसी पार्टी को बड़ा नुकसान तय है, वो भी उस समय जब यूपी विधानसभा का चुनाव सिर्फ 6 महीने दूर है। बीजेपी की परेशानी राम मंदिर ने बढ़ा दी है। चुनावों में बीजेपी राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती थी, लेकिन अब चंदे और गड़बड़ी का मुद्दा छाता दिख रहा है, जिससे राम भक्त भी परेशान दिख रहे हैं और बीजेपी भी। परेशानी में कांग्रेस भी है, क्योंकि यूपी के साथ पंजाब में भी चुनाव है, और यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई थमती नहीं दिख रही। ऐसे में पार्टी में सवाल पूछा जा रहा है कि 2022 के चुनावों में पंजाब में पार्टी का कप्तान कौन होगा, देखिए ये रिपोर्ट।
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब सिद्धू बन गए, क्योंकि वो लगातार पार्टी को तल्ख तेवर दिखा रही है। यहाँ तक कि अपने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, क्योंकि सिद्धू राजनीति की पिच पर खुद कैप्टन बनकर पंजाब में पारी खेलना चाहते हैं, मगर सीएम अमरिंदर को ये मंजूर नहीं, इसलिए दोनों नेताओं के बीच घमासान छिड़ा है जो आलाकमान को परेशान कर रहा है। इसलिए सुलह कराने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी है, जिस पर अब आगे फैसला होगा। वैसे पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू की नजर पार्टी अध्यक्ष के पद पर थी, लेकिन उस पर भी सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही। पार्टी अध्यक्ष एक ऐसा चेहरा होगा जो सभी पक्षों को मंजूर हो। पार्टी हाईकमान के सामने अब सिद्धू को उनकी मर्जी के मुताबिक जगह देने की चुनौती है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी सिद्धू को कैप्टन की जगह कभी नहीं देगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें उप मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू ने उप मुख्यमंत्री का पद लेने से भी इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि उनकी नजर या तो अध्यक्ष पद पर या फिर सीएम पद पर है, इसलिए वो कभी मुख्यमंत्री के शहर पटियाला में तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के विधानसभा क्षेत्र अबोहर में होर्डिंग लगाकर खुद को 2022 के विधानसभा चुनाव का मुखिया बताने में लगी है। अब इस चुनौती के बीच पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेगा, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन सारी तस्वीर अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। और बुलेटिन के आखिरी में बात महामारी को लेकर सरकार के नए निर्देश की। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया गया था। कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बेहद कम कर दी गई थी। सरकारी कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र के, सभी ने जोर वर्क टू होम पर दिया, लेकिन अब मामले तेजी से घट रहे हैं। एक दिन में नए मामलों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई है, तो सरकार की ओर से नए सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो क्या है सरकार के निर्देश, देखिए ये रिपोर्ट। महामारी की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है। वैसे अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज मिलने वाले देशों में भारत का नाम शामिल है। महामारी की रफ्तार कम हुई तो राज्य ने लॉकडाउन को और कर्फ्यू में छूट देना शुरू कर दिया। उद्योग और कार्यालय फिर से खोले जाने लगे, बाजार भी खुल गए। संक्रमण के कम होते मामले देखते हुए अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के सभी सरकारी कर्मचारियों को सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय आना होगा। उन्हें संक्रमण के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। मास्क पहनने के अलावा शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। लोगों की संख्या कम रखने के लिए अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग समय यहां आएंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9 से शाम 5:30 तक, दूसरी सुबह 9:30 से शाम 6 तक और तीसरी शिफ्ट सुबह 10 से शाम 6:30 तक होगी। जो अधिकारी और कर्मचारी सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यालय नहीं आ रहे हैं, वे घर से काम करेंगे और वे किसी भी समय संपर्क के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैठक जहाँ तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित होगी। ये निर्देश 16 जून से 30 जून तक लागू रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस फिलहाल नहीं लगेगी और अगले आदेश तक इसके लिए रजिस्टर का इस्तेमाल होगा। तो दिन भर की खबरों में आज बस इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।